सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12 में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम लोग डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय नाम की कविता का जो आपका अंतिम भाग है, जो आपका 9वां और 10वां छंद है, इसके बारे में पढ़ेंगे। 8 पंक्तियां, बहुत आसान सी कविता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कविता में पढ़ाया कि हरिवंश राय बच्चन जी जीवन से निराश, प्रेम से व्यथित, प्रेम में निराशा, अत्यधिक पीड़ित मन से वो करते क्या है कि सारी दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते, और कहते हैं मैं नहीं चाहता कि ये दुनिया मुझसे कोई मतलब रखे। निर्द्वंद अकेले भटके हुए पथिक की तरह से सारे संसार में विचरण करते हैं, जो मन में आए वही करते हैं, जो अपने मन की बात है उसी को मानते हैं, अपनी धुन में मस्त रहते हैं, दीवाने से हैं। वो हरिवंश राय बच्चन जी की आगे की कविताएं मैं पढ़ता हूं। कविता की पंक्तियां ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। ये इतनी आठ पंक्तियां आपकी जो शेष हैं इसको मैं आज समझाना चाहूंगा। देखिए, कहते हैं मैं बहुत दुखी, मन में केवल प्रेम है लेकिन बाहर दुनिया वालों ने मुझे प्रेम नहीं दिया, इसलिए निराश हूँ जीवन से। मैं रोता हूँ, जब मैं निराश होकर रोता हूँ तो ये दुनिया कहती है मैं कवि हूँ, मैं कविताएं लिख रहा हूँ। देखिए, कविता वास्तव में आह से निकलती है। जितनी मन की पीड़ा, जितनी मन की भाव, जितनी मन की भावनाएं, उतनी ही सुंदर कविता होती है। मन में जैसे भाव वैसे ही कविता। तो इन्होंने जो कहा कि मेरे मन में दुख है, इसलिए जब मैं दुख के भाव अपने कहता हूँ, रोता हूँ, मन ही मन में विलाप कर रहा हूँ, और जब अपने दुख की गाथा सुनाता हूँ तो लोग कहते हैं मैं कविता लिख रहा हूँ। जब मैं शब्दों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से अपने दुख को, अपनी विरह व्यथा को, अपनी पीड़ा को बयान करता हूँ, लिखता हूँ, तो लोग कहते हैं मैं छंद लिख रहा हूँ, कविताएं, नई नई कविताएं रचना करता हूँ, जबकि ये नहीं, वास्तविकता है कि मैं रो रहा हूँ, मेरे मन का दुख दर्द बयान करता हूँ, कह रहा हूँ, लेकिन लोग कहते हैं मैं कवि हूँ, मैं कविता लिखता हूँ। ये मुझे कवि क्यों मानते हैं, मैं तो रो रहा हूँ, कवि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो अपने मन की पीड़ा लिखता हूँ, फिर भी दुनिया कहती है मैं कवि हूँ, मैं लिख रहा हूँ। कहते क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाता, ये संसार मुझे कभी क्यों कहता है, मैं तो कभी नहीं, मैं तो एक रोता हुआ दुखी प्राणी हूँ, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं तो एक दीवाना आदमी हूँ, संसार में मुझे भटकना, मैं हमेशा अपनी धुन में मस्त रहता, कभी अपनी धुन में अकेले थोड़े रहता, वो बहुत कुछ सोचता है, लेकिन मैं तो केवल अपनी सोचता हूँ, मैं तो इसी दीवाने की तरह हूँ, संसार में एक नया दीवाना आ गया जो भटक रहा अपने मन की, केवल दुख ही दुख है मेरे मन में, सुख नहीं है, प्रेम भरा हुआ है, प्रेम में भी निराशा है, दुख है, मैं वही गाता रोता चलता हूँ, मेरे रोने को दुनिया कहती है मैं कविता लिख रहा हूँ, मैं जो शब्द कहता हूँ, जो अपनी भाषा में बोलता हूँ, लोग कहते हैं मैं नए नए छंद लिख रहा हूँ, नई नई रचनाएं कर रहा हूँ, जबकि वास्तविकता ये नहीं, मैं तो एक रोता हुआ प्राणी हूँ, ये दुनिया मुझे कभी कहकर क्यों अपनाती है, मैं तो एक दीवाना आदमी हूँ, अपने मन में मस्त रहने वाला। फिर कहते हैं मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों जैसा, जो अपनी धुन में मस्त रहता है, जिसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, वही दीवाना है। आपने 11 में पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था कि कहें कबीर दीवाना, कबीर दास ने स्वयं को दीवाना इसीलिए कहा था, वो भी एक खड़ा आदमी अपने मन में मस्त। तो कहते हैं कि मैं दीवानों सा वेश लिए फिरता हूँ, मैं तो एक दीवाने की तरह से, जिसे दुनिया से मतलब नहीं, केवल अपने आप में ही खोया हुआ है, उसकी तरह से वेश बनाकर घूम रहा, मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखता, फिर लोग मुझसे क्यों मतलब रखते हैं, मैं तो दीवाना आदमी।
अकेले में दुख का मारा फिर रहा हूँ। मैं मादकता नहीं से इसलिए फिरता हूँ, मैं दीवाना हूँ, लेकिन मेरे मन में क्या है, मादकता है, एक उत्साह है, एक उन्माद है, एक नशा है प्रेम का। प्रेम में निराश होने के बाद भी मेरे मन में एक उत्साह है, मैं हारे हुए प्रेमी की तरह से अपने मन में अपार उत्साह लेकर के घूम रहा हूँ। निशेष मैंने जो बचा हुआ है, देखिए थोड़ा सा ऐसे बताते हैं, जो प्रेमी व्यक्ति होता है, नायक, आपको नायक और नायिका मैंने बताया था, जो प्रेमी होता है वो क्या करता है, बड़ा उत्साह रहता है अपने प्रेम को लेकर के, अपना प्रेम प्रभावित दिखाने के लिए, जिसको अंग्रेजी में आजकल कहते हैं इम्प्रेस करना, इसके लिए कुछ भी कर रहा था। लेकिन जब वो जो प्रेम में निराश होता है, कहीं हताशा लगता है, जिससे प्रेम किया उसने ठुकरा दिया, तब फिल्मों की तरह से रोते घूमते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी भी कह रहे हैं मेरी भी ऐसी ही दशा है। देखिए कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं दीवाने जैसा वेश रूप बनाकर घूम रहा हूँ, और मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। मेरे मन में जो थोड़ा बहुत, थोड़ी सी निःशेष मतलब थोड़ी बची हुई मादकता है, जो उत्साह, जो नशा है, जो उन्माद है, वही लेकर मैं मस्त हूँ। जितना प्रेम बचा है उतने में ही मैं मस्त हूँ, मुझे और नहीं चाहिए। सारा तो मैंने खजाना लुटा दिया, प्रेम का खजाना दुनिया के लिए, अब जो मेरे पास बचा, दुनिया ने मेरा खजाना लूटा, मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन अब जो मेरे पास बचा मैं उसी में मस्त हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जितना मैं लेकर चल रहा हूँ उसमें क्या है, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, जिसे सुन करके ये जग, ये संसार झूम उठेगा, मस्त हो जाएगा, झुकेगा, झुक जाएगा, विनम्र हो जाएगा, लहराएगा, एकदम झूमता ही रहेगा, सुखी होगा। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं वह प्रेम में डूबी हुई मस्ती का संदेश, वह खुशहाली लेकर के घूम रहा हूँ, खुशहाली का, प्रसन्नता का वह संदेश लेकर मैं चल रहा हूँ, जिसे सुनकर लोग मस्त हो जाएंगे, हंसी खुशी से झूमेंगे, गाएंगे, लहराते रहेंगे, मौज करेंगे, ऐसा प्रेम का मस्ती भरा संदेश मेरे पास है, जिसे लेकर के मैं घूम रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, कहते मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं दीवाने जैसा रूप बनाकर घूम रहा हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मैं अपने मन में जो थोड़ी बहुत मादकता, थोड़ा सा उत्साह बचा उसे लेकर के घूम रहा हूँ, और सुनकर जिसको जब झूम उठे लहराए, जिसे सुनकर ये संसार झूमेगा, गाएगा, लहराएगा, मस्त हो जाएगा, मैं वह मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं मस्ती का, खुशियों का वह संदेशा लेकर के घूम रहा हूँ। फिर से देखिए, मैं भावार्थ केवल स्पष्ट करता हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, जब मैं दुखी होकर रोता हूँ तो दुनिया कहती है मैं कविता कर रहा हूँ, कविता लिख रहा हूँ। जब मैं अपने दुख को बोलकर बताता हूँ, लिखता हूँ, तो लोग कहते हैं मैं छंद बना रहा हूँ। ये दुनिया बड़ा मुझे कवि क्यों मानती है, मैं तो एक दीवाना आदमी हूँ जिसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, फिर ये दुनिया वाले कवि मानकर मुझे क्यों अपना रहे हैं। मैं तो दीवानों जैसा वेश बनाकर घूमता हूँ, मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं, ना कामों से दोस्ती, ना कामों से बैर, कोई मतलब ही नहीं मेरा किसी से, फिर लोग मेरे पीछे क्यों पड़े। कहते मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों सा वेश लेकर घूम रहा हूँ, मैं मेरे मन में बचे हुए प्रेम के सुगंध को, प्रेम के उन्माद को, प्रेम के नशे को लेकर के मैं घूम रहा हूँ, मस्त हूँ अपने प्रेम में, जो प्रेम मेरे मन में बचा है उसे लेकर मैं घूम रहा हूँ। जिसको सुन करके ये संसार झूमने लगेगा, खुश हो जाएगा, गाएगा, लहराएगा, मस्ती करेगा और झुक जाएगा, विनम्र हो जाएगा, मैं मस्ती का वह संदेश, प्रेम का वह संदेश लेकर के चलता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, लोगों को सुनाता रहता हूँ। तो यहाँ आकर के हम लोगों की आत्मपरिचय नाम की यह कविता खत्म हो जाती है। अब अगली कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढलता है, इसके बारे में हरिवंश राय जी ने वो अगली कविता लिखी है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। कल का तात्पर्य सोमवार से है, कल तो संडे है, कल आप लोगों को अब संभवतः कुछ नहीं बताया जाएगा, इसलिए अगले दिन अगले अंक में मिलेंगे। आप इतने को ही पढ़िए, कविता को दोहराइए, जो भी समस्या होगी मुझे बताइए, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक बार फिर एक वीडियो के साथ आऊँगा। ठीक।